कि जब हम SPSS में प्लॉट करेंगे तो अब आप देखेंगे कि ये जो है वो वेरिएशन को डिफाइन कर रहा है. ये बीच वाली लाइन जो है ना, ये मीडियन है. मीडियन क्या होता है, हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर सेंट्रल थ्योरम पढ़ेंगे, तो उसमें ये होगा कि मीडियन जो है इट्स एक्चुअली द सेंटर ऑफ योर डेटा, नॉट एन एवरेज. एवरेज और मीडियन में फ़र्क है. वो ये बताता है मीडियन आपको कि 50% ऑफ योर डेटा लाइज बिलो दिस वैल्यू एंड 50% ऑफ योर डेटा लाइज अबव दैट वैल्यू. सो दिस इज द मीडियन. ठीक है, यहाँ पे अच्छा, ये दूसरी कैटेगरी के लिए ये बॉक्स प्लॉट है, ये तीसरी कैटेगरी के लिए ये बॉक्स प्लॉट है. हमने जब मुख्तलिफ कैटेगरीज के बॉक्स प्लॉट किए तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे इनके इन बॉक्सेस के दरमियान ओवरलैप है. ठीक है, और यही चीज़ हमने स्कैटर के अंदर भी नोट की थी कि एक ओवरलैप आ रहा था डेटा के ऊपर, तो विच मीन्स के कुछ लेवल के ऊपर इन इस कैटेगरी और इस कैटेगरी के अंदर जो डेटा सेट है उसमें फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे वैल्यूज़ जो है, कुछ वैल्यूज़ जो है वो हायर है इस कैटेगरी के नस्बत. ये दोनों बिल्कुल ओवरलैप कर रहे हैं, जो मुझे ये बता रहा है कि जो जो डेटा सेट की वेरिएशन है, जो इन डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वेरिएशन है 5 और 6 कैटेगरीज के बीच में, वो कोई ख़ास वेरिएशन नहीं है. जो लोगों की राय या जो इस कैटेगरी के बारे में थी वो इस कैटेगरी के बारे में भी है. सो आपको कुछ वेरिएशन नज़र नहीं आ रहा है. अच्छा, ये जो दूर जो पॉइंट्स प्लॉट है ना, ये है आउटलायर्स. आउटलायर्स वो ही पॉइंट्स हैं ऑफकोर्स जो बिल्कुल आपके मतलब डेटा के अंदर एक बिल्कुल कहीं और किसी और दुनिया में पड़े हुए हैं, कहीं और उससे आए हुए हैं. जो आप ये भी हो सकता है कि आपने जब डेटा कलेक्ट किया उसमें कुछ गलती की हो, या वो एग्जिस्ट भी करते हो, इट्स क्वाइट पॉसिबल. सो दे आर कॉल्ड आउटलायर. सो जब हम SPSS के अंदर या किसी भी स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए हम बॉक्स प्लॉट करते हैं तो वो हमें आउटलायर्स भी बताता है कि आपके डेटा में ये आउटलायर्स हैं. आप एक पॉइंट ये मतलब जब आप अपना एनालिसिस कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि चले मैं आउटलायर्स को निकाल के देखता हूँ कि अब मेरे देखती हूँ कि मेरे ग्राफ्स के अंदर जो है वो अब क्या चेंजेस आते हैं या मेरे मॉडल के रिजल्ट्स में क्या चेंजेस आते हैं. तो आप ये देखेंगे कि आउटलायर्स को निकालने से सिग्निफिकेंट चेंजेस आ जाएंगे आपके मॉडल के अंदर. ये जो है वो ये वाली बार जो है वो मैक्सिमम वैल्यू को डिफाइन करती है और ये वाली बार जो है वो मिनिमम वैल्यू को डिफाइन करती है. ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ the box plot using SPSS. जी नहीं, देखिए सॉफ्टवेयर तो आपको एक हेलो हाँ सॉफ्टवेयर तो आपको एक रेंज बता रहा है आउटलायर्स की. ऑफकोर्स उसने पिक किए हैं आउटलायर्स. अब आउटलायर्स उसने कैसे पिक किए हैं, वो क्या करता है कि क्लस्टर्स फॉर्मेट करता है. वो स्टैंडर्ड डिविएशन के बेसिस के ऊपर मीन निकाल रहा है, स्टैंडर्ड डिविएशन देखता है और उसके बेसिस के ऊपर वो ये बताता है कि ये पॉइंट जो है वो आपके डेटा सेट से बहुत दूर है. यूजुअली ये कहा जाता है कि आप आउटलायर्स को रिमूव ना करें क्योंकि ये दे आर पार्ट ऑफ योर डेटा अनटिल एंड अनलेस यू आर श्योर कि आपसे डेटा कलेक्ट करते हुए कोई गलती नहीं हुई थी. ठीक है, ब्लाइंडली ऑफकोर्स आप उसको रिमूव नहीं करेंगे. इवन अगर आप उसको रिमूव भी करेंगे देन यू हैव टू टेल द रीजन कि आपने इस आउटलायर को क्यों निकाला था. जैसे मैं छोटे से मिसाल आपको देती हूँ, आपने फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि जी लोगों की सेहत के बारे में आपने डेटा कलेक्ट करना शुरू किया. आपने एक डेटा सेट जो है वो आप एक नॉर्मल डेज में कलेक्ट करें वो डिफरेंट होगा, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि आपने वही डेटा सेट जो है वो आप मतलब जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसमें कुछ दिन ऐसे आ गए जिसमें कोई वायरस फैला हुआ है. ठीक है, नाउ ओवरऑल वो जो वो वायरल वाला जो डेटा सेट है वो आपको ये बता रहा है कि जी ये जिसको वायरस आया था, तो वो आप जब अपने कंक्लूजन ड्रॉ करोगे तो वो एक आउटलायर्स होंगे क्योंकि वो बिल्कुल आपके नॉर्मल डेटा सेट से दूर होंगे. तो आप या तो उसको डिफाइन करेंगे कि जी इस वजह से हमारे इस डेटा के अंदर फर्क आ रहा है, या आप ये कहेंगे जी मैं इसको निकाल के अब ये देखता हूँ कि मेरे रिजल्ट्स के अंदर क्या फर्क आ रहा है. तो इट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन करते हैं और आपके जो आउटलायर्स हैं वो किस वजह से आए हैं. आउटलायर्स बिल्कुल हो सकते हैं, दे आर क्वाइट पॉसिबल. आउटलायर की एक वजह ये भी हो सकती है कि आपने जो एक्सपेरिमेंट किया था या जो आपने डेटा कलेक्ट किया था उसमें कोई गड़बड़ हुई थी जिसकी वजह से जो है वो पॉइंट्स आप
आपके सैंपल्स को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो पॉइंट आप वो पॉइंट्स आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, देन यू कैन यस टेक टेक इट आउट। एक बात ये कर सकते हैं, दो बात आप ये कर सकते हैं, एक मॉडल आप डेवलप करें विद आउटलायर्स एंड एक मॉडल डेवलप करें विदाउट आउटलायर्स एंड देन सी द डिफरेंस बिटवीन द टू एंड देन यू टेल योर ऑडियंस के जी एंड देन यू ड्रॉ द कंक्लूजन के जी आउटलायर्स से कितना फर्क पड़ रहा है। और जब हम जब स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तो हम ये देखेंगे कि इन आउटलायर्स की वजह से हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन कितना ज़्यादा बढ़ सिग्निफिकेंटली बढ़ सकता है। और जितना ज़्यादा आउटलायर्स होंगे, जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन होगा, उतना ज़्यादा हमारा रिजल्ट जो होगा वो मॉडल का कमज़ोर होगा। और इसीलिए हम एक्सपेरिमेंट्स को, हम डेटा कलेक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम वो चाहते हैं कि हम वो डेज पिक करें डेटा कलेक्ट करने के लिए, या उन जगहों से करें, या वो रिसोर्सेज यूज करें जिसमें कम से कम गलतियां हुई हों, या जो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हों। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप स्पार्को हैं, वो अपने इक्विपमेंट यूज़ करता है वेदर डेटा कलेक्ट करने के लिए या मुख्तलिफ डेटा कलेक्ट करने के लिए। बाज़ औक़ात आपके जो मशीन्स हैं वो या इक्विपमेंट्स हैं वो मेल फंक्शन कर सकती हैं, ठीक है, और वो कुछ आपको ऐसी वैल्यूज देंगी जो टोटली ट्रेंड से आउटसाइड है, अब दे आर द आउटलायर्स, तो वो उनको आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप कहें कि जी इस दिन मशीन ख़राब हो गई थी, इस दिन इक्विपमेंट ख़राब हो गया था, तो ये जो डेटा रिकॉर्ड हुआ है ये गलत डेटा है। हाँ, इन दैट केस यू कैन टेक इट आउट ब्लाइंडली, अदरवाइज इट्स सजेस्टेड दैट यू शुड नॉट टेक द आउटलायर्स ब्लाइंडली। और अगर आप उसको निकाल दे रहे हैं तो आप वजह बताइए कि क्यों आप आउटलायर्स को निकाल रहे हैं। और सॉफ्टवेयर जो है वो किस तरह से आउटलायर को निकालता है, वो मुख्तलिफ स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करता है, और स्टैंडर्ड डिविएशन इज वन ऑफ देम, और फिर ये देखता है कि जी ये बिल्कुल ही आउट है, ये आपके स्टैंडर्ड डिविएशन को बहुत ज़्यादा कर रहा है डेटा में, तो ये पॉइंट्स हैं जिसको आपके डेटा से आपके पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। Did I answer your question? Okay. अच्छा अच्छा तो अब हम ये देखते हैं, आप कैन यू सी इट्स स्क्रीन, या आपको सॉफ्टवेयर एसपीएसएस का नजर आ रहा है? कैन यू सी द एसपीएसएस सॉफ्टवेयर? नो, ओके। आई होप यू कैन सी इट नाउ। Okay, thank you. So let's go here and let's do the bar box plots. अच्छा, हमने कहा कि वेरिएबल आपका स्पीड लिमिट है और कैटेगरी हम डिफाइन करते हैं इसको, अब यहाँ देखें। ये बॉक्स प्लॉट ड्रॉ किए हैं उसमें, ठीक है। वो ये बता रहा है, इसे कैटेगरीज ये थी मेरे पास, 35, 40 एंड 45 माइल्स पर आवर स्पीड लिमिट, और उसके अंदर उसने मुझे बॉक्स प्लॉट करके दिखाया है, ठीक है। यहाँ पे वो ये मुझे बता रहा है कि ये मिनिमम वैल्यू 30 है, या बल्कि 30 से कम है, 29 है। मैक्सिमम वैल्यू इस स्पीड लिमिट के अंदर जो है वो इट्स अराउंड 48 माइल्स पर आवर है, और ये जो 316 और 551, और ये मुझे डेटा पॉइंट्स बता रहा है कि जो डेटा पॉइंट का जो नंबर है ना, 316 जो है इज वन ऑफ द आउटलायर एट द लोअर एंड, 1273 डेटा पॉइंट जो है इज एन आउटलायर एट द अपर एंड, या ऊपर के एंड के ऊपर। ये मेरा डेटा सेट की जो 50% ऑफ द स्पीड है 35 माइल पर आवर रोडवेज पे, दे लाई बिटवीन 37 माइल्स पर आवर एंड 42 माइल्स पर आवर, ठीक है। और यहाँ पे एक आपको ट्रेंड, अगर आप तीनों बॉक्स प्लॉट जो मैंने यहाँ पे किए, इससे आपको एक ट्रेंड भी नज़र आ रहा है। आप ये देख रहे हैं कि जिस जिस तरह से 30 स्पीड लिमिट बढ़ती जा रही है, गाड़ियों की स्पीड का डेटा भी जो है, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ और इन सब मीडियम्स को आपस में कनेक्ट करूँ, तो ये इंक्रीज होता जा रहा है, विच इज़ अ वेरी रीजनेबल कंक्लूजन।
और फिर उसके बाद ये बता रहे हैं कि जी एक ओवरलैप भी है, कुछ हद तक जो है वो हमारी स्पीड गाड़ियों की जो है वो ओवरलैप भी करती है मुख्तलिफ स्पीड लिमिट के ऊपर। अब अच्छा, अब मैं हम दूसरा बॉक्स प्लॉट प्लॉट करते हैं। लेट्स से मीडियन टाइप, ओके। यहाँ पे आपने देखा कि मुख्तलिफ के डिवाइडेड रोडवेज के ऊपर, अनडिवाइडेड रोडवेज के ऊपर। यहाँ पे आप ये देखिए, ये बॉक्स प्लॉट जो है वो सबसे नीचे बिल्कुल एक आया है। और ये क्या, कौन सी कैटेगरी है? जहाँ पे आपके रोड जो है वो डिवाइडेड नहीं होते किसी भी फिजिकल कर्व से या बैरियर से, डिवाइड नहीं होते, वहाँ पे क्या होता है कि लोग गाड़ी थोड़ा एहतियात से चलाते हैं, आहिस्ता चलाते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ डायरेक्शन में जाने वाली गाड़ियाँ जो है वो एक साथ चल रही होती है, उनके बीच में कोई फिजिकल बैरियर नहीं होता है, ठीक है। तो वहां पर उसने आपको बताया कि आपकी उस कैटेगरी के अंदर आपकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा, 50% ऑफ द डेटा सेट जो है वो बहुत कम स्पीड के ऊपर है। तो यहाँ पे आप एक्स एक्सेस पे जो कैटेगरीज बताते हैं, जो बॉक्स प्लॉट करते हैं, तो उसमें कैटेगोरिकल डेटा, और फिर आप ये देखते हैं कि इस कैटेगोरिकल डेटा की वजह से आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके अंदर वेरिएशन किस तरह से आ रही है। नाउ गोइंग बैक टू द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो स्पीड डेटा जो है इट्स अ डिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज इट इज बीइंग वेरीड, इसके अंदर वेरिएशन आ रही है मुख्तलिफ और फैक्टर्स की वजह से, जिसके अंदर मीडियन एक टाइप है, जिसके अंदर पोस्टेड स्पीड एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो पोस्टेड स्पीड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मीडियन टाइप इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कितनी लेन्स है गाड़ियों की ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपकी गाड़ियों की जो एक्चुअल स्पीड है रोड के ऊपर उसको अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये डिड यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ द बॉक्स प्लॉट्स? एंड बॉक्स प्लॉट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास कोई भी डेटा सेट है आप उसको प्लॉट करके देखें। एंड इट्स एन एडवांस टेक्निक ऑफ इट्स एन एडवांस ग्राफिकल टेक्निक। तो आप इस, और इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन भी हैं, एस पी एस एस आपको मुख्तलिफ ऑप्शन देता है कि क्लस्टर्ड, मैंने क्लस्टर्ड कभी किया तो नहीं है, बट लेट्स डू दैट। सो आपने स्पीड वेरिएबल किया, पोस्टेड स्पीड एंड डिफाइन क्लस्टर। अच्छा, ये आपको 3D मतलब उसके अंदर 3 डायमेंशंस में आपको प्लॉट करके बताएगा। सो ये देखें, हर पोस्टेड स्पीड के अंदर मुख्तलिफ तरह के जो एरिया थे, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, मुख्तलिफ तरह के एरिया से, उसके अंदर उसने फर्दर उसको डिवाइड किया है और बॉक्स प्लॉट्स किए हैं, ठीक है। तो ये एक जब आप क्लस्टर्ड करते हैं तो आप 3 वेरिएबल्स को, मतलब उसमें से 2 जो है वो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि टाइप ऑफ एरिया बता रहा है कि यहाँ पे घर ज्यादा है या फिर ऑफिस ज्यादा है या किस किस तरह के डिवेलपमेंट्स हैं, पोस्टेड स्पीड, और उन दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में आपकी गाड़ियों की स्पीड ऐसे इलाकों में, ऐसे रोडवेज पे किस तरह से वेरी करती है, ठीक। तो एक सेकेंड, सो अब टू समराइज दिस, लेट्स गो बैक टू आवर पावर पॉइंट। सो टू स्टार्ट विद, हमने आज के लेक्चर में जो चीज़ें, अब मैं कंक्लूजन की तरफ आती हूँ, वो पढ़ी। हमने ये बताया कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इट्स कलेक्टिंग द डेटा, ऑर्गेनाइजिंग द डेटा, समराइजिंग इट प्रॉपरली, प्रेजेंटिंग इट इन अ बेटर वे, और आपने अभी डेटा प्रेजेंटेशन के बहुत सारे तरीके देखे। और एक और तरीका जो डेटा प्रेजेंटेशन का है वो ये है कि आप इस प्रॉपर टेबल्स बनाएं, टेबल्स के अंदर जो है वो क्रॉस टेबुलेशन भी कर सकते हैं, मतलब 2 मुख्तलिफ 3 मुख्तलिफ डायमेंशन में भी टेबल हो सकते हैं। इट्स अगेन अनदर वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर डेटा। आप डेटा एनालाइज करें और कंक्लूजन्स ड्रॉ करें, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। व्हाट इज पॉपुलेशन एंड व्हाट इज सैम्पल? ऑफकोर्स सैम्पल, ये जितना भी हमने डेटा अभी यूज किया ये सारा सैम्पल डेटा था। इट वुड हैव इट इट्स इट्स नॉट प्रैक्टिकली इट वॉजेंट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर मी टू गो आउट एंड कलेक्ट द डेटा फ्रॉम ऑल द रोडवेज फ्रॉम द ऑल लाइक हर ऑफकोर्स मैं नहीं कर सकती थी, तो मैंने एक सैम्पल कलेक्ट किया था। फिर हमने ये देखा कि जी वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल्स क्या होते हैं। हमने देखा अपने डेटा सेट को रेफर करते हुए कि जी पोस्टेड स्पीड जो है वो डिस्क्रीट वेरिएबल है, क्योंकि यह 30 हो सकता है या 40 हो सकता है या 45 हो सकता है, लेकिन गाड़ी